Okay, so now we will start our next lesson 3.3, that is stone soup. Okay, so let's start. A village. A few small cottages standing close by. They belong to Motiram, Sonabai, Hirabai and Rupabai. It's evening. They are chatting outside Motiram's house. तो हम लोगों को पहले इस लेसन में एक सीन बताया गया है. एक्चुअल में ये पूरा लेसन जो है ये डायलॉग राइटिंग पे बेस्ड है. तो हम लोगों को ऐसे ही सीन्स बताए जाएंगे और किसने कौन सा डायलॉग बोला है ये हमें पूरे लेसन में बताया जाएगा. तो एक विलेज है जहाँ पर छोटे छोटे कॉटेजेस है जो बहुत ही क्लोज में है. तो चार लोगों के कॉटेज है, मोतीराम, सोनाबाई, हीराबाई एंड रूपाबाई. एंड इट्स इवनिंग, मतलब शाम हो रही है और वो लोग चैट करते हुए खड़े हैं मोतीराम के घर के बाहर. अब हम लोग देखते हैं कि मोतीराम ने क्या बोला. मोतीराम, योर फार्म प्रोड्यूस वॉज रियली गुड दिस ईयर, आई एम टोल्ड. सोनाबाई, सो वॉज योर्स आई ईयर. फिर मोतीराम ने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज इट दो इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट. मोतीराम ने कहा, योर फार्म प्रोड्यूस वॉज रियली गुड दिस ईयर. किससे कहा? सोनाबाई से. सोनाबाई ने कहा कि वैसे तो आपका फार्म जो है, फार्म प्रोड्यूस है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है. मोतीराम, आई डोंट वॉन्ट टू एडवर्टाइज इट दो इट माइट अट्रैक्ट गेस्ट. पर मोतीराम ने कहा कि लेकिन फिर भी मुझे एडवर्टाइज नहीं करना है कि मेरा जो फार्म प्रोड्यूस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, भले ही वो गेस्ट को अट्रैक्ट करे. सो जब ये लोग सब कुछ डिस्कस कर रहे थे तभी वहाँ पे ट्रैवलर एंटर्स फ्रॉम ए कॉर्नर, द विलेजर्स डोंट सी हिम. तभी वहाँ पे एक ट्रैवलर जो है वो एक कॉर्नर से उस जो कॉलोनी में है वहाँ पे एंटर किया, लेकिन विलेजर्स ने उनको नहीं देखा. हीराबाई, यू आर राइट, गेस्ट कैन बी न्यूजेंस. हीराबाई बोलने लगी कि यस, तुम सही बोल रहे हो, गेस्ट जो होते हैं वो बहुत ही न्यूजेंस. न्यूजेंस मतलब कि वो लोग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और बहुत अनॉय करते हैं. सोनाबाई ने कहा, आई एग्री, एस्पेशली अनइनवाइटेड गेस्ट. तो वो बोलने लगी कि एस्पेशली अनइनवाइटेड गेस्ट, मतलब जो गेस्ट को हम लोग इन्वाइट नहीं करते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करते हैं. मोतीराम, अनइनवाइटेड गेस्ट आर पेस्ट. तभी मोतीराम ने बोलने लगा कि अनइनवाइटेड गेस्ट जो होते हैं वो पेस्ट की तरह होते हैं. पेस्ट एक इंसेक्ट होता है जो कि बहुत परेशान करता है, तो अनइनवाइटेड गेस्ट जो होते हैं वो पेस्ट की तरह होते हैं. ओके, ट्रैवलर बिकम्स नर्वस, डजंट कम फॉरवर्ड. तो ये सारी बातें सुनकर जो ट्रैवलर था वो बहुत ही नर्वस हो गया और वो आगे नहीं आना चाहता था. हीराबाई, ट्रू, आई नेवर वेस्ट गुड फूड एंड मनी ऑन अदर्स. हीराबाई बोलने लगी कि मैं कभी भी अच्छा खाना और पैसे जो है वो दूसरों पर खर्चा नहीं करती हूँ. रूपाबाई, डू यू थिंक दैट इज़ राइट, हाउ कैन वी रेफ्यूज़ देम. रूपाबाई जो है वो बोलने लगी कि क्या ये सही है, हम लोग कैसे गेस्ट को रेफ्यूज़ कर सकते हैं. हीराबाई, जस्ट फाइंड सम पोलाइट एक्सक्यूजेस, दैट्स ऑल. हीराबाई जो है वो बोलने लगी कि कोई भी पोलाइट एक्सक्यूज करके हमें ये बात को ख़त्म कर देना चाहिए. सोनाबाई, यू आर राइट, आई कैन ऑलवेज कुक अप सम एक्सक्यूज. सोनाबाई जो है वो बोलने लगी कि ये सही है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज जो है वो कुकअप कर लेती हूँ. मोतीराम, मी टू, फॉर मी चैरिटी बिगेंस एट होम एंड स्टेज एट होम. मोतीराम जो है वो बोलने लगा कि मेरे घर में जो चैरिटी होती है वो घर तक ही होती है. एनी वे आई मस्ट अटेंड टू माई वर्क नाउ, सी यू. और फिर वो बोलने लगा कि चलो ठीक है, मैं अभी अपने काम पर जाता हूँ और सबसे बाद में मिलता हूँ. ऑल नेबर्स सी यू लेटर. तो सब लोग एक दूसरे से सी यू लेटर बोलकर अपने अपने रूम में, घर में एंटर कर गए. दे एंटर देयर होम्स, ट्रैवलर कम्स फॉरवर्ड. तो सब लोग अपने घर में चले गए और ट्रैवलर जो है वो थोड़ा आगे आ गया. ओके, सो नाउ कम टू पेज नंबर 59. ट्रैवलर जो है वो एक साइड पर खड़े होकर उसने सब कुछ देखा कि ये जो चार पीपल्स है ये लोग क्या बात कर रहे थे. और अभी वो धीरे धीरे फॉरवर्ड आने लगा और वो सोचने लगा कि वो थोड़ा ट्राई करता है कुछ हेल्प मांगने के लिए. तो उसने मोतीराम के डोर पे नॉक किया और मोतीराम ने जो है वो ओपन किया डोर. मोतीराम ने कहा, येस, हु आर यू एंड वॉट डू यू वॉन्ट. सो मोतीराम जो है उससे कहने लगा कि कौन हो आप और आपको क्या चाहिए. ट्रैवलर, आई एम अ ट्रैवलर, आई एम वेरी हंग्री एंड टायर्ड, कैन आई प्लीज़ हैव सम फूड एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर दी नाइट.
तो ट्रैवलर ने बोला कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मैं बहुत ही भूखा हूँ और बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा बहुत खाना चाहिए और बस एक रात के लिए मुझे यहाँ पे रहना है, रेस्ट करना है। मोतीराम ने कहा, डिनर इज़ ओवर, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, ट्राई एल्सवेयर। मोतीराम ने उसको सीधा बोल दिया कि डिनर जो है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, आप कहीं पर और जाकर ट्राई करो। और शट कर दिया उन्होंने डोर विद अ बैंग, मतलब बहुत ज़ोर से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। ट्रैवलर, हाउ रूड, लेट मी ट्राई दी नेक्स्ट डोर। ट्रैवलर ने बोला ये कितना रूड बिहेवियर था, चलो ठीक है मैं अभी नेक्स्ट डोर ट्राई करता हूँ। और उसने जाकर सोना बाई के डोर को नॉक किया। ओके ओके, सो सोना बाई के डोर पे नॉक करने के बाद, गुड इवनिंग काइंड लेडी, आई एम ए ट्रैवलर, कैन आई हैव सम फूड एंड अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर टनाइट। ट्रैवलर ने बोला कि गुड इवनिंग, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए और एक रात के लिए मुझे रेस्ट करना है, तो क्या मुझे जगह मिलेगी। सोना बाई पुटिंग हर हैंड बिहाइंड हर ईयर, वॉट डिड यू से। सोना बाई जो है वो अपने कान के नीचे हाथ लगाकर बोलने लगी, वॉट डिड यू से, मतलब आप क्या बोल रही हो। ट्रैवलर अलाउड, कैन आई हैव सम फूड। ट्रैवलर जो है वो पूछने लगा कि क्या उसे थोड़ा खाना मिलेगा। सोना बाई, वुड, वाई, देर इज़ प्लेंटी इन द फॉरेस्ट, फाइंड अ फॉलन ट्री एंड चॉप ऑल द वुड दैट यू नीड। तो ट्रैवलर ने उनसे फूड कहा था, लेकिन सोना बाई उसको वुड बोलने लगी और कहने लगी कि जाओ फॉरेस्ट में देखो, बहुत सारा वुड रहेगा, कोई भी फॉलन ट्री रहेगा उसका वुड जो है वो आप चॉप करो और ले लो। ट्रैवलर ने फिर बोला, आई सेड फूड, आई एम हंग्री। ट्रैवलर ने फिर बोला कि मैंने फूड बोला है और मुझे भूख लगी है। सोना बाई, यू एग्री, फाइन, देन गो एंड चॉप दी वुड। सोना बाई फिर उससे कहने लगी कि ठीक है जाओ और चॉप करके वुड को ले लो। ट्रैवलर, वेल वेल, दैट वॉज अ क्लेवर एक्सक्यूज, शी प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, लेट मी ट्राई एल्सवेयर। ट्रैवलर ने खुद से बोला कि ये जो है ये प्रिटेंड कर रही है, मीन्स ये नाटक कर रही है कि इसे नहीं सुनाई दे रहा है, और चलो अब मैं नेक्स्ट डोर पे ट्राई करता हूँ। ओके, देन ही नॉक्स ऑन हीराबाईस डोर, तो उसने हीराबाई के डोर पे फिर नॉक किया। नॉक्स ऑन हीराबाईस डोर, एनी वन एट होम, एनी फूड फॉर ए हंग्री ट्रैवलर। तो उन्होंने फिर हीराबाई की डोर पे नॉक किया और कहने लगे कि किसी के पास यहाँ पे खाना है एक हंग्री ट्रैवलर के लिए। हीराबाई कम्स आउट, तभी वहाँ पे हीराबाई डोर के बाहर आए। गुड इवनिंग मैम, आई वंडर इफ़ आई कुड गेट समथिंग टू ईट एंड अ प्लेस टू रेस्ट फॉर दी नाइट। तो फिर ट्रैवलर ने वो कहा कि उसे भूख लगी है और उसे बस एक रात के लिए यहाँ पे रुकना है। हीराबाई, प्रेटेंडिंग नॉट टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, ओ ग्यावा ऑन डुफ ऑन ट्रेस ऑफ योना इरा। तो वो हीराबाई जो है उसकी बात सुनकर वो ऐसे करने लगी जैसे उसे ये लैंग्वेज आती ही नहीं है और वो कुछ अलग ही लैंग्वेज बोलने लगी। ट्रैवलर, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। ट्रैवलर जो है वो कहने लगा कि मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। हीराबाई शेकिंग हर हैंड, डोग आई ऑट नो योर टो ओग एरेसवेल। तो हीराबाई जो है वो कोई भी कुछ भी लैंग्वेज बोल रही थी। गोज बैक इनसाइड लिविंग द ट्रैवलर बीवल्ड्रेड। ट्रैवलर, सो दैट वॉज अ ट्रिक, टॉकिंग गिबरिश, आई एम नॉट डिफीटेड। ट्रैवलर समझ गया कि ये कुछ भी बोलकर जा चुकी है क्योंकि इसे हेल्प नहीं करना है। तो ट्रैवलर ने बोला मैं फिर भी डिफीट, मतलब हार नहीं मानूंगा। और फिर उसने रूपाबाई की डोर पे नॉक किया। रूपाबाई, यस, हु आर यू यंग मैन, आई एम नॉट सीन यू अराउंड। तभी रूपाबाई बाहर आई और उन्होंने बोला कि आप कौन हो यंग मैन, और आपको मैंने यहाँ पे कभी देखा नहीं है। ट्रैवलर, आई एम ए ट्रैवलर एंड आई वंडर्ड इफ आई गुड गेट सम फूड एज वेल एज अ कॉर्नर टू रेस्ट फॉर दिस नाइट। ट्रैवलर ने फिर से वही कहा कि मैं एक ट्रैवलर हूँ और मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए क्योंकि मैं हंग्री हूँ और मुझे एक कॉर्नर चाहिए जहाँ पे मैं रेस्ट कर सकूँ। रूपा भाई जो है वो सोचने लगी, अलास माई लैडर इज एम्प्टी, आई एम सो हंग्री माई सेल्फ, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट इन द हाउस। रूपा भाई जो है वो ये बोलने लगी कि मेरी खुद मुझे भी भूख लगी है और मेरे घर में कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। ट्रैवलर, आई एम सॉरी टू हियर दैट। ट्रैवलर ने बोला कि मैं सॉरी हूँ कि ऐसा मुझे सुनना पड़ रहा है। रूपा भाई, आई एम सॉरी टू बट आई कांट हेल्प इट, सॉरी। रूपा भाई ने बोला कि मैं भी सॉरी हूँ और सॉरी कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, और वो चले गई। ट्रैवलर अलाउड, मतलब ट्रैवलर जोर से बोलने लगा, वेट मैडम, इफ़ यू आर ऑल्सो हंग्री आई कैन मेक अस बोथ सम सूप।
ट्रैवलर जो है उसने ज़ोर से बोला कि मैडम वेट करो, मैं भी बहुत भूखा हूँ और मैं हम दोनों के लिए एक सूप बना सकता हूँ। रूपा बाई, बट आई टोल्ड यू माई लैडर्स एम्प्टी, आई कांट ऑफर यू एनी थिंग। रूपा बाई ने बोला कि पर मैं आपको बोल रही हूँ मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे सारा जो भी सामान है वो ख़त्म हो चुका है, मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती। ट्रैवलर, ऑल आई नीड इज़ अ कुकिंग पॉट, अ स्पून एंड सम वाटर। आई हैव अ मैजिक स्टोन इन माई बैग, वेन यू बॉइल इट इन वाटर इट मेक्स अ डिलिशियस नरिशिंग सूप। ट्रैवलर ने बोला कि मुझे बस एक कुकिंग पॉट चाहिए, एक स्पून चाहिए और पानी चाहिए जिससे कि मैं जो है एक डिश बना सकता हूँ। मेरे पास एक मैजिकल स्टोन है जिसको पानी में बॉईल करने के बाद एक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी सूप बन जाता है। रूपा बाई, रियली अ मैजिक स्टोन एंड ऑल यू नीड इज़ अ पॉट ऑफ वाटर, आई थिंक आई कैन मैनेज दैट मच। रूपा बाई जो है वो सुनकर बहुत शॉक्ड हो गई और उन्होंने बोला रियली सिर्फ एक मैजिक स्टोन से और एक पॉट ऑफ वाटर से एक सूप बन सकता है, इतना तो मैं मैनेज कर सकती हूँ। ट्रैवलर, येस जस्ट अ पॉट ऑफ वाटर, ओनली अ बिग वन। ट्रैवलर ने बोला कि हाँ बस मुझे एक पॉट ऑफ वाटर चाहिए और मैं जो है वो सूप बना सकता हूँ। रूपा बाई गोज बैक टू हर कॉटेज, ट्रैवलर कलेक्ट्स वुड एंड मेक अ फायर इन वन कॉर्नर, अदर नेबर्स पीप आउट फ्रॉम द डोर विंडोज एंड वॉच क्वाइटली बट क्यूरियसली। रूपा बाई कम्स आउट विद अ वेरी बिग पॉट। तो रूपा बाई जो है वो कॉटेज में वापस जाती है, ट्रैवलर जब तक वुड कलेक्ट करके फायर एक कोने में, एक कॉर्नर में उसने फायर किया और जो बाकी के नेबर्स थे वो लोग अपने अपने विंडोज से, डोर से वो लोग पीप आउट मतलब झांक रहे थे और चुपचाप देख रहे थे, क्यूरियसली देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है। और रूपा बाई जो है वो एक बड़े पॉट के साथ बाहर आ गई। रूपा बाई, हियर्स योर पॉट ऑफ वाटर। ट्रैवलर, थैंक यू, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। तो रूपा बाई जो है उन्होंने बोला कि देखो मैं पॉट ऑफ वाटर लेकर आ गई हूँ, और ट्रैवलर जो है उसने अपना जो है सूप बनाना स्टार्ट कर दिया। पुट्स द पॉट ऑन द फायर, टेक्स आउट अ स्टोन फ्रॉम हिज पॉकेट एंड ड्रॉप्स इट इन द पॉट। तो पॉट को फायर पे रख दिया ट्रैवलर ने और एक स्टोन निकाल कर, उसकी पॉकेट से एक स्टोन निकाल कर उसने उस पॉट में डाल दिया। रूपा बाई, कम टू पेज नंबर 61। अ मैजिक स्टोन दैट मेक्स सूप, आई कैन हार्डली बिलीव दिस, सिट्स डाउन टू वॉच। रूपा बाई जो है वो बोलने लगी कि एक मैजिक स्टोन एक सूप बना सकता है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, और वो बैठकर देखने लगी। ट्रैवलर, स्निफिंग एंड प्रिटेंडिंग टू एंजॉय द अरोमा, आ लवली, इट्स गोइंग टू बी रियली डिलीशियस। और ट्रैवलर जो है वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि वाह कितनी अच्छी जो है उसमें से खुशबू आ रही है, ये बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। इफ़ ओनली वी हैड वन और टू पोटैटोज टू ऐड, इट टेस्ट्स हेवनली व्हेन पोटैटोज, बट अलास वी डोंट हैव एनी। और तभी ट्रैवलर जो है वो बोलने लगा कि अगर टू पोटैटोज हमें मिल जाते तो इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है हमारे पास पोटैटोज तो नहीं है। रूपा बाई ये सुनकर बोलने लगी, वन और टू यू सेड, इफ़ लेट मी सी इफ़ आई हैव जस्ट वन और टू लेफ्ट समवेयर। रूपा बाई जो है वो बोलने लगी कि मुझे देखने दो, अगर मेरे पास वन या टू पोटैटोज होगा तो मैं लेकर आती हूँ, और वो कुछ पील्ड पोटैटोज लेकर आ गई। यर लकीली आई हैड जस्ट अ फ्यू लेफ्ट, आई हैव इवन पील्ड देम फॉर यू। तो वो बोलने लगी कि लकीली कुछ पोटैटोज जो हैं वो रह गए थे, इसलिए मैं आपके लिए पील करके लेकर आ गई हूँ। ट्रैवलर, वंडरफुल, पुट द पोटैटोज इन द पॉट, स्टर्स फॉर सम टाइम एंड स्निफ्स अगेन। ट्रैवलर ने फिर पोटैटोज जो है वो पॉट में डाले, स्टर करने लगा और फिर कहने लगा कि बहुत अच्छा जो है वो अरोमा आ रहा है उसमें से। अरोमा मीन्स खुशबू। व्हाट विद द पोटैटोज यू हैव गिवन द सूप विल नाउ बी टेरिफिक, कैरेट्स एंड टमाटोज वुड गिव इट अ टेम्पटिंग कलर वुडंट दे, बट दैट वुड बी टू मच टू होप फॉर, आई डोंट नो। ट्रैवलर जो है वो पोटैटोज डालने के बाद ये बोलने लगा कि सूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कुछ कैरेट और टमाटोज होते तो इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन ठीक है ये कुछ ज़्यादा ही होप हम लोग कर रहे हैं। रूपा बाई जो है वो बोलने लगी आई डोंट नो। सोना बाई कम्स आउट विद सम टमाटोज, तभी वहाँ पे सोना बाई जो है वो कुछ टमाटोज लेकर बाहर आ गई। तो सोना बाई जो है वो टमाटोज लेकर बाहर आ गई। सोना बाई, हेलो हेलो, मे बी आई कैन बी ऑफ सम हेल्प।
I had reserved these tomatoes for tomorrow, but I am also willing to help, you know. And I know that Hirabai has plenty of carrots, but I'm not sure if she'll share a few with us. सोना भाई जो है वो कुछ टमाटोज लेकर आई और उसने बोला कि ये टमाटोज जो है मैंने कल के लिए रखे थे, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प कर रही हूँ और मुझे ये भी पता है कि हीरा भाई के पास बहुत सारे कैरेट्स हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आपकी हेल्प करेगी या नहीं। हीरा भाई एंटर्स विद अ फ्यू कैरेट्स। तभी वहाँ पे हीरा भाई जो है वो भी कैरेट्स लेकर आ गई। आई डोंट हैव प्लेंटी, इनफैक्ट आई टू वॉज रिजर्विंग दिस फॉर टुमारो, बट नेवर माइंड, इफ सोना भाई कैन स्पेयर हर टोमेटोज, आई टू कैन स्पेयर दीस। तो हीरा भाई जो है वो आकर बोलने लगी कि मेरे पास भी बहुत नहीं है, मैंने भी कल के लिए इसको रिजर्व किया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर सोना भाई टोमेटोज दे सकती है तो मैं भी कैरेट्स दे सकती हूँ। आफ्टर ऑल यू डोंट गेट टू सी अ मैजिक स्टोन मेकिंग अ मैजिक सूप एवरी डे। और वैसे भी हम लोग हमेशा नहीं देखते कि एक मैजिक स्टोन जो है वो मैजिक सूप कभी बना सकता है। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 62। ट्रैवलर बोज टू दी वुमेन, आई एम रियली स्पीचलेस यू नोबल लेडीज, दिस इज गोइंग टू बी अ फेमस सूप, एट दी वेजिटेबल स्टर्स एंड स्निप्स। और फिर ट्रैवलर जो है उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही स्पीचलेस हूँ और आप लोग बहुत अच्छे हैं, देखना ये सूप जो है ये बहुत ही फेमस सूप बन जाएगा। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दी सूप आई हैड मेड सम टाइम अगो, आई हैड जस्ट एडेड जस्ट अ फ्यू बीन्स ऑनियंस एंड आई थिंक अ लिटिल पीस ऑफ जिंजर। And what flavor it had. Those are the only little things missing now. But what we have is also good enough. You can't always have the best. तो ट्रैवलर ने फिर बोलने लगा कि मैंने इसके पहले भी एक सूप बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था, लेकिन उसमें मैंने बीन्स, ऑनियंस और थोड़ा बहुत जिंजर भी डाला था, लेकिन इतना जो भी मिला है ये भी ठीक है और हम लोग हमेशा अच्छे से अच्छा होप नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ पर मोतीराम ने एंट्री ली। Why not, if you can have the best, why miss the golden chance? Here, take this. When help is needed, old Motiram doesn't lag behind. और मोतीराम जो है वो आकर ये बोलने लगा कि हम लोग ये गोल्डन चांस क्यों छोड़ेंगे और जब भी हेल्प लगेगी तो मोतीराम क्यों पीछे हटेगा, क्योंकि अगर सब लोग हेल्प कर रहे हैं तो मैं भी हेल्प करूँगा। और उसने वेजिटेबल्स ऑफर किए। सो मोतीराम ने आकर वेजिटेबल्स दे दिए। ट्रैवलर हाउ कैन आई एवर फॉरगेट योर जेनरोसिटी, एड्स ऑल द वेजिटेबल स्टर्स एंड स्निप्स। आहा, एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग, व्हाट फ्लेवर, व्हाट अरोमा, व्हाट टेस्ट। और उसने एक सिप लिया। मार्वेलस, इफ ओनली आई कुड ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इट वुड बी परफेक्ट। तो ट्रैवलर ने बोला कि मैं आप लोगों को ये जो जेनरोसिटी है ये कभी नहीं भूलूंगा और बहुत ही जो डिश, जो सूप वो बना रहा था उसका फ्लेवर और अरोमा की वो बहुत तारीफ करने लगा और फिर वो कहने लगा कि अगर थोड़ा सा सॉल्ट इसमें हम लोग डाल देते तो ये परफेक्ट हो जाता। रूपा बाई, आई गेट सम सॉल्ट एंड बॉल्स फॉर ऑल ऑफ अस। रूपा बाई जो है वो बोलने लगी कि रुको, मैं सॉल्ट भी लेकर आती हूँ और बॉल्स भी लेकर आती हूँ, हम लोग सब खाएंगे। ट्रैवलर, थैंक यू, आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट दैट। You are all being so kind and helpful. It's an unforgettable experience. Traveler जो है उसने बोला कि thank you, और मैं अभी यही बोलने वाला था कि आप लोग balls लेकर आ जाओ, आप लोग बहुत kind हो और बहुत helpful है और ये experience मैं कभी नहीं भूलूंगा। रूपा बाई returns with the salt, pepper and balls. Traveler adds the salt, stirs and serves the soup to everyone. रूपा बाई जो है वो salt, pepper और balls लेकर आ गई। Traveler ने salt डालकर stir किया, means जो सूप है उसको चलाया और फिर सबके लिए सर्व किया। रूपा भाई, आ वंडरफुल, यू कैन टेस्ट द गुडनेस ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स। रूपा भाई जब उन्होंने स्मेल किया वो बोलने लगी कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी है। सोना भाई, यस अनबिलीवेबल, नो वन वुड थिंक दैट दिस सूप वॉज मेड विद अ स्टोन। और सोना भाई भी बोलने लगी कि ये इतना टेस्टी लग रहा है कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये जो सूप है ये एक स्टोन से बना है। मोतीराम, यू हैव सेड इट, सच डिलीशियस वेजिटेबल सूप एंड मेड विद अ स्टोन। मोतीराम जो है वो भी ये बोलने लगा कि इतना डिलीशियस वेजिटेबल सूप वो भी एक स्टोन से बना है, कोई भी बिलीव नहीं करेगा। हीरा भाई, आई वंडर व्हाट हैपेंस टू द स्टोन, डज इट मेल्ट अवे। तो हीरा भाई जो है वो ये बोलने लगी कि मैं ये सोच रही हूँ कि स्टोन को क्या हुआ, स्टोन का ही मेल्ट तो नहीं हो गया इस सूप के अंदर। ट्रैवलर, ओ नो, इट रिमेन्स द सेम। और उसने स्टोन को पॉट से निकाला। ट्रैवलर जो है वो बोलने लगा, नहीं, स्टोन जो है वो वैसा ही रहेगा। टेक अ लुक, दिस वॉज द स्टोन दैट मेड द सूप। और वो बोलने लगा कि देखो ये वो स्टोन है जिसने सूप बनाया है। तो आप लोगों ने क्या गैस किया है कि ये स्टोन सूप जो है ये कैसे बना?
हैव यू गेस द सीक्रेट ऑफ द स्टोन्स, यू कैन मेक इट इवन विदाउट द स्टोन। तो ट्रैवलर ने उन सब को अच्छे से मैन्युपुलेट करके, उनका माइंड जो है वो चेंज करके, झूठ बोलकर एक स्टोन से सूप बनाने का बोला था। एक्चुअल में जो सूप था वो बिना स्टोन के भी बन सकता था। तो ये सीक्रेट था स्टोन सूप का। ओके।